थोड़ा ओपन कर देते हैं शो, फिर लंबी बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अलका लामा जी मेरे साथ हैं। पहले तो अलका लामा जी आपको बधाई हो, आपने कर्नाटक में चुनाव जीता है, अच्छे से जीता है, और इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी आप लोगों को बधाई दी है, तो उनकी बधाई स्वीकार है आप लोगों को? बिल्कुल, धन्यवाद। आपकी बधाई, प्रधानमंत्री जी की बधाई, हम सबकी बधाई स्वीकारते हैं, और कर्नाटक के 6,50,00,000 लोगों को धन्यवाद करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारी जीत। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। ये 40% का जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया, यहाँ तो 40% मंत्री भी हार गए, तो क्या ये वही रीजन है 40% का, जो 40% मंत्रियों को भी हरा रहा है? बिल्कुल, हमारा जो कैंपेन सबसे पहले था 40% कमीशन खोरा सरकार पर, हमारा सीधा हमला था। जब कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखित में लिखा लेटर और कहा कि आपकी बोमई भ्रष्ट सरकार हमसे हर चीज में कमीशन मांगती है 40%, उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी जवाब देते, पर वो टाल गए इस जवाब को और पूरा ध्रुवीकरण कर लिया उन्होंने। इन्हीं का एक कार्यकर्ता आत्महत्या करता और के एस ईश्वरप्पा जो मंत्री थे उनका टिकट कट गया, वरना वो 40% में शामिल होते हारने में, पर मालूम था हार जाएंगे, टिकट ही काट दिया भ्रष्ट अपने मंत्री का, और एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या। पे सीएम का हमने पेटीएम एक पोस्ट कार्ड निकाला जो बेंगलुरु में खासतौर से कर्नाटका के युवाओं में पॉपुलर हुआ, पे सीएम, हमने वो पोस्ट कार्ड निकाला, लोगों को हमने बताया कि किस तरीके से लूट और खून। चलिए मैं आता हूँ आपके सर, कलामा जी आप कह रही है कि आपका आपका ये कैंपेन लोगों तक पहुंचा, पीसीआर जरा हम वो जो 9 फैक्टर लेकर आए हैं वो तैयार रखेगा, तब तक मैं डेटा मुशाय के पास जा रहा हूँ। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन डेटा मुशाय के पास चलते हैं और उसके बाद हम जीत हार के जो 9 फैक्टर लेकर आए हैं वो हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर वो 9 फैक्टर कौन से हैं। लेकिन डेटा मुशाय जल्दी से, क्योंकि आप लगातार कर्नाटक में घूमे, आपने कहा कि 900 से 1,000 गांवों में गए, आपने प्रेडिक्शन किया था 125 से कहीं आगे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जल्दी से ये बताइए ये 40% मंत्री, 40% वहां पर करप्शन, ये तो मिल गया, ये क्या हो रहा है? वो एक नंबर एक्सीडेंटली मिल गया। हाँ, एंटी इनकंबेंसी था, नहीं इतने मंत्री हार जाएंगे लगा था। देखिए आपका 104 से 64 सीट आ रहा है, 40 सीट तो कम ही होगा ना। उसमें तो स्टैटिस्टिकली मिनिस्टर भी जाएगा, मतलब ये अगर आप नंबर 100 से सिर्फ 90 हो रहा है, इसमें मिनिस्टर आ रहा है, बात अलग है। ठीक है, तो इट इज नॉर्मल। रीजन जल्दी से मुझे रीजन बताइए क्यों हुआ ये, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए इतनी बड़ी हार क्यों हुई? नहीं, हार क्या है, कांग्रेस ने अच्छा कैंपेन किया, कांग्रेस इस बार बीजेपी जैसा इलेक्शन लड़ा है। आप इतना कांग्रेस बीजेपी जैसा इलेक्शन लड़ा, तो बीजेपी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप? डेफिनेटली हर चीज, मतलब आप समझ लीजिए बहुत प्रिपरेशन, बहुत प्लानिंग होने के बाद ये नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे कुछ नंबर दिखाएंगे जल्दी से, यहाँ पर कुछ आपके पास एनालिसिस है, फिर मैं जल्दी से नीचे जाऊंगा। मुझे जब इंटरेस्टिंग सबसे जो नंबर मुझे जितना लगा वो ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर आप है, कोडागु क्यों है ऐसा? इट इज कंसिडर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फॉर बीजेपी, टीपू सुल्तान वगैरह जहां पर इशू है। यहां पे आइए। तो ये जो हमारे साथ डेटा मुशा है वो ये कह रहे हैं कि कोडागु जो जहां पर 2 सीटें जिले में, वहां पर ये बीजेपी का सबसे स्ट्रांग बेस था। यहां पर आइए दिखाइए, और यहां पर कांग्रेस के पास 2018 में एक भी सीट नहीं थी, इस बार उसने दोनों सीटें जीत ली। कभी भी कांग्रेस नहीं जीता, कभी भी नहीं जीता। मतलब उधर कांग्रेस लोग करने में डरता है, ओके वो सीट आप जीत रहा है, तो आप समझ लीजिए समथिंग, आप समझ लीजिए अगर कोडागु जैसी जगह जहां पर कभी भी बीजेपी हारी नहीं, कभी भी टीपू सुल्तान का जो इशू है, हाँ, इस एरिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट, सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान वाला इशू इस एरिया में इंपैक्ट करता है, और वहां पर भी यहां पर कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं, तो फिर यहां पर आखिर क्या रिबच जाता है?